दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। इस वीडियो में हम बिहार में निकली हुई एक नई वैकेंसी के बारे में अपडेट प्रोवाइड कराने वाले हैं और ये जो वैकेंसी है बिहार के राज्य बाल संरक्षण समिति में निकाली गई है। इसमें आपको वेरियस पोस्ट पे आवेदन करने के लिए आपको मौका दिया गया है, जैसे कि लेखा सहायक सहित यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट है, लगभग 16 टाइप के टोटल पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। इसमें योग्यता बात करें तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे शुरू से बात करें तो इंटरमीडिएट यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए किसी भी पोस्ट के लिए, और इसके बाद में स्नातक तक का यहाँ पे यानी ग्रेजुएशन लेवल तक का पोस्ट दिया गया है। 1 नवंबर से लेकर आप जो है 21 नवंबर 2019 तक आवेदन दे सकते हैं। यानी बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लिंक है 1 नवंबर को एक्टिव होगा। तो देखिए ये है ऑफिशियल वेबसाइट समाज कल्याण विभाग का, और इसी विभाग का सब डिपार्टमेंट है वो जो मैंने आपको बताया, और उसी डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट न्यूज वाले सेक्शन में जाइएगा तो देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर में बताया गया है कि समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत राज्य बाल संरक्षण समिति जिला बाल संरक्षण इकाई एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित गृहों में कर्मियों के नियोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में ये यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 23 अक्टूबर को नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। ठीक है, यह है फुल नोटिफिकेशन, और यहाँ पे इसके रिगार्डिंग अपडेट दिया गया था हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में भी, प्रेस विज्ञप्ति को पब्लिश किया गया था कल के न्यूज़पेपर में, यानी यहाँ पे 27 अक्टूबर 2019 का जो न्यूज़पेपर आया था उसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है समाज कल्याण विभाग, राज्य बाल संरक्षण समिति बिहार, और यहाँ पे राज्य बाल संरक्षण समिति यानी SCPS अंतर्गत पटना बिहार द्वारा संकट ग्रस्त बच्चों को संरक्षण एवं पुनर्वासन हेतु केंद्रीय परियोजना समेकित बाल संरक्षण योजना ICPS का क्रियान्वयन किया जा रहा है, और उसी में वैकेंसी निकाला गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, socialwelfare.bihar.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पे बात करते हैं जो टोटल पोस्ट दिए गए, थोड़ा सा इसे जूम करते हैं उसके बाद में सभी डिटेल हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 टाइप का पोस्ट दिया गया है, अलग अलग पोस्ट है यहाँ पे, और अलग अलग पोस्ट में यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में वैकेंसी का डिटेल भी दिया गया है। ठीक है, टोटल पोस्ट की बात करें अगर इसे आप काउंट कीजिएगा तो 80 पोस्ट आएगा, ऑलमोस्ट 80 पोस्ट है। और यहाँ पे लेखा अधिकारी, लेखाकार, लेखा सहायक, विधि सह परीक्षा अधिकारी, परामर्शी, डाटा एनालिस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, आउटरीच वर्कर, परीक्षा अधिकारी, परामर्शी गृह, हाउस फादर, हाउस मदर, सिर्फ महिला के लिए हाउस मदर का है, ठीक है, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स विशेष इकाई, केयर टेकर सह वोकेशनल इंस्ट्रक्टर विशेष इकाई में यानी स्पेशल यूनिट में केयर टेकर का भी पोस्ट है। सबसे ज्यादा पोस्ट की बात करें तो पैरामेडिकल स्टाफ की है, दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा पोस्ट की संख्या है परामर्शी गृह का, और उसके बाद में हाउस फादर का 10 पोस्ट है। उसके बाद में यहाँ पे बात करें तो हाउस मदर का है 8 पोस्ट है इसमें। फिर उसके बाद में यहाँ पे 5 पोस्ट दिया गया है डाटा एनालिस्ट का, और अन्य सभी पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं किसी में एक है और किसी में 2 पोस्ट दिया गया है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसमें कितना पोस्ट है और कैटेगरी वाइज सभी में दिया गया है। और यहाँ पे लेखा अधिकारी, लेखाकार, लेखा सहायक में केवल जनरल का एक एक पोस्ट दिया गया है, तो उसे आप देख लीजिएगा, अगर आपकी कैटेगरी में पोस्ट होगा तभी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। और यहीं पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बतला दूं कि ये जो जॉब है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब है यानी संविदा आधारित जॉब है, और यहाँ पे देख सकते हैं आरक्षण का नियम दिया गया है कि इसमें आदर्श आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। उम्र सीमा आपको 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक के हुए तो जो है आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो एज काउंट होगा 1 अक्टूबर 2019 को काउंट होगा, आप जो है काउंट करके देख सकते हैं आप इसके लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। नियोजन की अवधि यहाँ पे बताया गया है, आपको मानदेय आधारित जो नियोजन का अवधि है, आपको कार्य आपके कार्य के आधार पर और साथ ही साथ जो योजना का कार्य अवधि है उसके आधार पर यहाँ पे डिपेंड करेगा। यानी योजना चल रहा है और आपका कार्य जो है संतोषजनक है तो आपको ज्यादा दिनों तक रखा जा सकता है। चयन की प्रक्रिया यहाँ पे बताया गया है कि पदवार निर्धारित योग्यता में प्राप्त प्रतिशत प्राप्त अंक तथा न्यूनतम कार्य अनुभव के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त कार्य अनुभव वर्ष के लिए अंकों को वेटेज के आधार पर मेधा सूची का निर्माण कर चयन की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में विस्तृत विवरणी जो है इस वेबसाइट पर उपलब्ध है, मैं आगे आपको ले चलता हूँ। तो यही सब जानकारी दिया गया है आपको, यहाँ पे बताया गया है कि 1 नवंबर से लेकर 21 नवंबर 2019 तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। लगभग यहाँ पे 21 दिनों का टाइम दिया गया है आवेदन करने के लिए। आवेदन जो है केवल ऑनलाइन माध्यम से ही उपलब्ध कराया जाएगा। आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डाल दूंगा जो कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहीं पे आपको लिंक जो है उपलब्ध कराया जाएगा। ये देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें ज्यादा डिटेल यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये उम्र सीमा दिया गया है, ये आरक्षण दिया गया है, और यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन दिया गया है जो कि यहाँ पे आपको अनुभव भी चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर वांछित योग्यता है तो और आपके लिए बेहतर है। जैसे कि लेखा अधिकारी की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि MBA फाइनेंस होना चाहिए या फिर वो नहीं तो MCOM होना चाहिए या वो नहीं तो BCOM होना चाहिए।
या फिर सीए होना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स अगर किए हैं तो भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। और इसमें बोल रहे हैं टैली आपको जानकारी होना चाहिए। वांछित बोल रहे हैं सरकारी क्षेत्र में अनुभव है तो और अच्छा है। अनुभव यहाँ पे बोल रहे हैं कि 2 न्यूनतम वर्ष का कार्य अनुभव आपको होना चाहिए। यहाँ पे सभी जो कोर्स है इसमें देख सकते हैं अनुभव मांग रहा है, तो आप जो है अच्छे से देख लीजिएगा किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांग रहा है, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे सैलरी दिया गया है, जैसे कि लेखा अधिकारी की बात करें तो 32,704 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा जो कि यहाँ पे फिक्स रहता है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा सभी पोस्ट से रिगार्डिंग डिटेल दिया गया है। कुछ में यहाँ पे इंटरमीडिएट भी मांग रहा है, कुछ में उससे हायर क्वालिफिकेशन भी मांग रहा है, जैसे कि हाउस मदर का यहाँ पे देख सकते हैं इंटर यहाँ पे मांग रहा है, फिर हाउस फादर का भी इंटर लेवल का यहाँ पे मांग रहा है योग्यता। लेकिन आपको सभी में अनुभव चाहिए, देख लीजिएगा मिनिमम कितना आपको यहाँ पे ईयर का अनुभव चाहिए, ये सभी डिटेल देख लीजिएगा, उसके बाद में आप आवेदन कीजिएगा। यहाँ पे सभी में देख सकते हैं कैसे आपको जो है वेटेज बनेगा, वो भी डिटेल दे दिया गया है कि कैसे आपको मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनेगा। तो ऐसे आप जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़्यादा डिटेल में हम बात करें तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पे बात करें कि कहीं पे नहीं बताया गया है कि यहाँ पे ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे या फिर नहीं, लेकिन ये ऑनलाइन शुरू होगा तो उस टाइम पे पता हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे ये क्लियर है कि बिहार के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और हो सकता है कि अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल हों, तो उसके रिगार्डिंग जो है बाद में जानकारी मिल जाएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वैकेंसी आपको अच्छा लगा होगा और आप इसके लिए एलिजिबल होंगे तो जरूर से अप्लाई कीजिएगा, और साथ में इसके फी क्राइटेरिया के बारे में जो डिटेल है लिंक एक्टिव होने के बाद में पता चल जाएगा कि कितना रुपया आपको किस कैटेगरी का आवेदन फीस देना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।